Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be continuing with low vibrational spectroscopy. So in the previous video I discussed about low vibrational spectroscopy when we were taking into account Born-Oppenheimer approximation and we were assuming that it holds good. It holds good means that we can deal with vibrational and rotational transitions independently. आज हम देखेंगे कि अगर बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन डज नॉट होल्ड गुड आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो बिल्कुल जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया था वो हमारी उसी से रिलेटेड है. जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू किया था तो हमने जो सबसे बेसिक डिफरेंस एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बीच में देखा था वो यही था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हमारा होगा वो लीनियर होगा, मतलब उसमें हमें स्पेक्ट्रा में लाइंस मिलेंगी, बट जो हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है उसमें बेसिकली हमको बैंड मिलता है. तो बैंड इसीलिए मिलता है बिकॉज एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और जब भी हम नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कोई भी स्पेक्ट्रा लेंगे तो बेसिकली हमको एक बैंड ही मिलेगा. उस बैंड के अंदर जो एक विड्थ कवर हुई है फिर उन्हीं को हम बेसिकली अलग अलग पढ़ते हैं. जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमने देखा कि जो एक वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उन वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में हमारे पास रोटेशनल लेवल्स हैं काफी सारे. तो उन रोटेशनल लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, अगर हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो बेसिकली जो ये वाली रोटेशनल ट्रांजिशंस जो हो रही हैं ये हमको यहाँ पे मर्ज फॉर्म में मिलेंगी. तो जब वो मर्ज हो जाएगा तो बेसिकली वो बैंड बन जाएगा और इसी को हम बेसिकली बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं. तो ये चीज बेसिकली अभी मैंने फिर से वही ध्यान में लाने के लिए आपको बताई है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो प्रीवियस वीडियो भी थी उसमें जो मैंने स्पेक्ट्रा बनाए थे जब PQR ब्रांच बनाई थी तो मैंने ऐसी लाइन बना दी थी. तो उससे आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं और फिर भी मैं स्पेक्ट्रा बनाते वक्त लाइंस बना रहा हूँ स्पेक्ट्रा में. उसका मेन रीजन यही है कि एक तो हम सारी चीजों को अलग अलग स्टडी कर रहे हैं और दूसरा रीजन ये है कि जब भी मैं उनमें लाइन बना रहा हूँ तो आप ये बात मान के चलिए कि आई एम टेकिंग इनटू अकाउंट हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम. सपोज मैंने एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बनाया और उस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में भी मैंने ऐसे लाइंस बना दी कि ये पी ब्रांच है, फिर यहाँ पे क्यू ब्रांच जो कि सपोज हमें मिली नहीं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आर ब्रांच बना दी और उस आर ब्रांच में भी ऐसे लाइंस बना दी. तो इसका मतलब क्या है कि आई एम टेकिंग हाई रेजोल्यूशन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम. अगर मैं एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर पाऊंगा अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से तो उसमें मैं रोटेशनल लेवल्स की वजह से जो ट्रांजिशन हुई है उनको भी मैं यहाँ पे लाइन फॉर्म में देख पाऊंगा. उसे ही हम बेसिकली ब्रांच बोलते हैं, पी ब्रांच, क्यू ब्रांच जो इस पे अपीयर हुई और आर ब्रांच, और उसी अकॉर्डिंग फिर हम आगे की स्टडी कर सकते हैं. जैसे जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो हमने देखा था ना कि दो लाइंस के बीच का गैप 2B है. तो ऐसे ही सपोज मैं इसमें बात करूं तो ये पी ब्रांच आई, ये आर ब्रांच आई, हमने लास्ट में देखा था कि क्यू इसमें ऑक्टेन नहीं होती. तो सपोज ये पी ब्रांच की पहली लाइन है तो इसमें नोमेनक्लेचर ऐसा रहता है कि P1, P2, P3, मतलब जैसे आप इधर लो फ्रीक्वेंसी साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइन का नंबर P1, P2, P3 आप दे सकते हैं, और जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी वाली साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो आप R1, R2, R3 ऐसे दे सकते हैं. तो अगर हमारे से कोई पूछे कि P1 से R1 के बीच का गैप क्या है तो वो 4B है, मतलब ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था. पर मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन स्पेक्ट्रा बनाया है तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हाई रेजोल्यूशन. अदरवाइज आप अगर एक नॉर्मल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं और उससे एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो वो आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसे बैंड फॉर्म में दिखेगा. जैसे ये आपका जो है ये आप पी ब्रांच बोल सकते हो या आर ब्रांच बोल सकते हो, कहीं बीच में इसमें वो क्यू ब्रांच है. फिर ऐसे ही स्पेक्ट्रा को अगर हम और रिजोल्व कर पा रहे हैं, हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलाउ कर रहा है, तो आपको फिर ये ऐसे लाइंस दिखेंगी, अदरवाइज तो आपको ऐसे बैंड ही दिखेगा. ये सपोज आपका फंडामेंटल ट्रांजिशन की वजह से आया. अभी तक तो हमने जितना भी डिस्कशन किया था वो इसी बेसिस पे किया था कि
हमारी जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है वो 0 से 1 वाली ही हम मान के चलेंगे, बट हमने ये भी देखा था कि ओवरटोन्स भी होते हैं, हॉट बैंड्स भी होते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको ओवरटोन ऑब्टेन हो रहा है तो वो ओवरटोन आपको ऑब्वियसली इससे कम इंटेंसिटी का मिलेगा, पर वही सेम नेचर वहां पे आपको ओवरटोन का भी मिल जाएगा। ये आपका सपोज फर्स्ट ओवरटोन है। तो बेसिकली यही चीजें हमको स्पेक्ट्रा से मिलती हैं, और फिर इनको जो हमने अपनी इतनी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हैं कि हमारा मॉलिक्यूल ऐसा है, फिर हमने उन्हें डिफरेंट मॉडल्स में फिक्स किया है, फिर उन मॉडल्स की मदद से जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले हैं, चेंज इन एनर्जी के एक्सप्रेशन निकाले हैं, फिर उनको हम बेसिकली अपने ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रा से मैच करते हैं, और तभी जाके फिर हम सारी चीजों को रिलेट कर पाते हैं। तो यही बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का है। अभी तो हमने काफी ज्यादा स्टडी कर लिया स्पेक्ट्रा के बारे में, तो हम इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, बट अल्टीमेटली तो ऐसे ही था कि पहले हमको थोड़ा हमने थ्योरेटिकली सोचा, थोड़ा हमको एक्सपेरिमेंटली कुछ मिल गया, और उसके बाद हमने चीजों को रिलेट करके इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बनाई है। तो एक ये चीज हो गई। अभी फिर मैं आगे शिफ्ट करता हूँ कि अगर बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन विल नॉट होल्ड गुड, तो इसका देखो सबसे सीधा फर्क किस बात पे पड़ेगा। जो हमारा एजम्पशन था कि हमने हर वाइब्रेशनल लेवल के लिए, मतलब जो आपका एवरी वी वाइब्रेशनल लेवल था उसके लिए आपने बी को कांस्टेंट माना था। मतलब हमने क्या बोला था कि कोई भी वाइब्रेशनल लेवल हमारा होगा उसमें जो हमारे रोटेशनल लेवल्स का गैप है दैट विल बी सेम। अब देखा जाए तो वही वो थोड़ा गलत ही है मानना, क्योंकि जैसे ही आपका मॉलिक्यूल एक दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पे जाता है तो दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जाने का मतलब है कि उसकी बॉन्ड लेंथ डिफर हो गई है। जैसे कि अगर आपका मॉलिक्यूल बी इक्वल 0 में था, अभी वो चला गया बी इक्वल 1 में, तो इसका मतलब इट इज इन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, और इसकी जो एवरेज बॉन्ड लेंथ है अभी वो भी ज्यादा है, और हमको पता है कि जो हमारा बी रोटेशनल कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड लेंथ। तो इसीलिए अगर आपका वाइब्रेशनल लेवल चेंज हुआ है तो आपका बी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की वजह से था कि हमने इसको कांस्टेंट माना था, बट अगर ये इनवैलिडेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, यू विल बी हैविंग डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट्स फॉर एवरी वाइब्रेशनल लेवल। अभी बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो बी है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड लेंथ के। तो जैसे ही आप हायर वी में जाएंगे, हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाएंगे, तो जो आपका बी होगा रोटेशनल कांस्टेंट होगा वो आपका हो जाएगा कम। मतलब अगर आपका वी हाई है तो आपका बी कम हो जाएगा, रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी हायर वाइब्रेशनल लेवल में जाते जाते कम हो जाएगी। आप ये डिस्कशन बेनवेल में भी देख सकते हैं, इसका एक बेनवेल में एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका रोटेशनल कॉन्स्टेंट है एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल में दैट इज रिलेटेड टू योर रोटेशनल कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम, कि आपका एक इक्विलिब्रियम रोटेशनल कॉन्स्टेंट है फॉर इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, जो हम एज्यूम करके चलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। आप देखिए कि अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन मानते हैं, सिंपल हार्मोनिक, तो उसके लिए तो उसकी जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ है वो सेम ही रहती है, लेकिन जैसे ही आपकी एनहार्मोनिसिटी इंट्रोड्यूस हुई तो आपकी इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ सेम नहीं रहती। लेकिन फिर भी एक जो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ आपकी है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उस इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के करेस्पॉन्डिंग जो आपका रोटेशनल कांस्टेंट है उसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी इन अ वाइब्रेशनल लेवल इज इक्वल्स टू बी अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ माइनस अल्फा वी प्लस हाफ। दिस अल्फा इज सम कांस्टेंट दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है वही है कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रा ऑप्टेन होगा, उस स्पेक्ट्रा की मदद से सपोज आप बी 0 निकाल पाए और बी 1 निकाल पाए, मतलब आपको एक स्पेक्ट्रा मिला, आपने बी 0 और बी 1 की वैल्यू निकाल ली। तो ये 0 तो बेसिकली क्या है, वाइब्रेशनल नंबर ही तो है,
तो ये वी आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपका इक्विलिब्रियम रोटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप इस एक्सप्रेशन की स्पेक्ट्रा की मदद से इस एक्सप्रेशन में जो आपके दो अननोन चीजें हैं बी और अल्फा ये आप निकाल सकते हैं। अभी हम इसकी बात करते हैं कि हमारे स्पेक्ट्रा में क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो हमने पी क्यू आर ब्रांच का लास्ट वीडियो में देख लिया था कि हमारी पी क्यू आर ब्रांच हमको मिलेगी और उनकी इंटेंसिटी कैसी होगी और उनकी पोजीशन कैसे होगी। अभी हम देखते हैं कि अब उनकी पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा या फिर उनकी स्पेसिंग्स पे भी कुछ फर्क पड़ सकता है क्या, वो भी हमको इनके एक्सप्रेशन से पता चलेगा। तो अभी हम अपना सिंपल वही एक्सप्रेशन लेके चलते हैं एनर्जी का जो हमने लो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के समय लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो वो हमारा क्या है, एनर्जी का एक्सप्रेशन कि हमारा जो वाइब्रेशनल स्टेट है वो जीरो है और वी आर इन द ग्राउंड रोटेशनल स्टेट, सो वी कैन राइट इट एज न्यू बाय टू प्लस बी जे डबल प्राइम प्लस वन, और एनर्जी हमारी एक्साइटेड जो हमारी वाइब्रेशन स्टेट है वी वन जे प्राइम दैट विल बी थ्री बाई टू न्यू प्लस बी जे प्राइम प्लस वन। सेम हमारा सिलेक्शन रूल रहेगा, सिलेक्शन रूल हमारा क्या है, डेल्टा जे इक्वल्स टू प्लस वन। अभी हम बात कर रहे हैं कोई एब्जॉर्प्शन मतलब आर ब्रांच, तो डेल्टा जे प्लस वन का मतलब क्या हुआ कि जब हम J डबल प्राइम से J प्राइम में जाएंगे तो इसका मतलब J प्राइम माइनस J डबल प्राइम इक्वल प्लस वन, इसका मतलब हुआ कि J प्राइम इज इक्वल टू J डबल प्राइम प्लस वन। तो हमें वही करना होगा कि जो हमारी ट्रांजिशन की एनर्जी है वो हमारी हो जाएगी इसमें से, इसको हमें माइनस करना होगा। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको रीअरेंज करेंगे तो अभी मैं यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स आप खुद कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है। हाँ, एक चीज अभी हमें जो ध्यान में रखनी है कि बोर्न ओपनहाइमर एप्रोक्सीमेशन इज नॉट वैलिड। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रोटेशनल कॉन्स्टेंट है उसे हम यहाँ पे बी जीरो से डिनोट करेंगे, उसके यहाँ पे बी वन से, मतलब अभी आपका रोटेशनल कॉन्स्टेंट दोनों वाइब्रेशनल लेवल्स के लिए अलग अलग होगा। अब आपको इस एक्सप्रेशन में से इसको माइनस करना है तो फाइनली जो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, न्यू प्लस बी जीरो प्लस बी वन जे डबल प्राइम प्लस वन प्लस बी वन माइनस बी जीरो जे डबल प्राइम प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा बेसिकली आर ब्रांच के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप जब इसको पी ब्रांच के लिए सॉल्व करेंगे, पी ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जो हो जाएगा माइनस वन, तो इसका मतलब जे प्राइम माइनस जे डबल प्राइम विल बी माइनस वन। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो एनर्जी का एक्सप्रेशन पी ब्रांच के लिए मिलेगा वो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, न्यू प्लस बी जीरो, ये माइनस होगा क्योंकि आपको लो एनर्जी साइड में अभी आना है तो ये माइनस में आएगा, बी जीरो प्लस बी वन जे प्राइम प्लस वन प्लस बी वन माइनस बी जीरो जे प्राइम प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा पी ब्रांच के लिए होगा। अभी इन एक्सप्रेशन से आप देखिए क्या डिड्यूस कर सकते हैं। आप देखिए कि जो ये आपकी टर्म आई है नहीं बी वन माइनस बी जीरो, ये टर्म आपकी आई नहीं रही थी जब तक आप अपने दोनों रोटेशनल कांस्टेंट को सेम मान रहे थे, तो ये वाली टर्म आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, सीधा ये b + b 2b हो गया था और j डबल प्राइम + 1 आ गया था और ये b - b 0 हो गया था। बट अभी आपकी जैसे ही ये नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है इसको बोलते हैं बेसिकली करेक्शनल टर्म, ये आपकी है करेक्शन टर्म। अब इस करेक्शन टर्म का आपको स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या मिलेगा वो आपको एक्चुअली स्पेक्ट्रा में दिखता भी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रा से हमें जो मिला है उसी के बेसिस पे हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। अब आप देखिए जो आपका ये अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा हायर वी होगा
उसमें जो आपकी बी की वैल्यू होगी वो कम होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बी वन की वैल्यू है दैट इज लेस देन बी जीरो, मतलब जैसे आप ऊपर गए आपका बी वन कम है बी जीरो से, तो इसका मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये वाली टर्म आपके हमेशा नेगेटिव ही आउटकम देगी, क्योंकि ये टर्म तो कभी भी आपको नेगेटिव देगी नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो से ही शुरू होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली जो टर्म है ये आपको नेगेटिव आउटकम देगी। तो आप आर ब्रांच में देख सकते हैं, आर ब्रांच में आपकी एक नॉर्मल ट्रांजिशन यहां तक आ रही थी, लेकिन अब उसमें एक ऐसी टर्म ऐड हुई है जो कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो सब्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो आपकी ट्रांजिशन से एक पर्टिकुलर लेवल एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे थी वो स्पेसिंग अब आपकी कम हो जाएगी, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, लेकिन वो जो आपको क्लोजनेस महसूस होगी वो आपको हायर वैल्यूज ऑफ जे पे होगी, क्योंकि आप देखिए जो आपकी बी वन और बी जीरो है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज। अब जब ये दोनों क्लोज हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी काफी ज्यादा माइन्यूट होगा, तो इसीलिए वो इतना कम डिफरेंस सिग्निफिकेंट कब बनेगा जब आपकी जे की वैल्यू हाई होगी। तो जे की वैल्यू हाई होने का मतलब है कि आपको स्पेक्ट्रा की एक्सट्रीमिटीज पे देखना होगा, यू विल हैव टू लुक एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रा, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर अनइक्वल स्पेसिंग्स। जैसे ही आप एक्सट्रीमिटीज पे देखोगे तो यू विल फाइंड अनइक्वल स्पेसिंग्स, एंड दीज अनइक्वल स्पेसिंग्स आर ड्यू टू द दिस करेक्शन टर्म b1 minus b0। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका r ब्रांच वाला आपको स्पेक्ट्रा दिखेगा अगर आप हाई रेजोल्यूशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें जो आपकी रोटेशनल लाइंस होंगी r ब्रांच की दे विल बी, r ब्रांच वाली जो आपकी लाइंस होंगी दे विल बी क्राउडेड, मतलब धीरे धीरे वो पास आती जाएंगी बिकॉज ये एक नेगेटिव टर्म उसमें से माइनस हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे p ब्रांच जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी या लो एनर्जी साइड है तो उसमें आप देखेंगे उसमें आप पहले ही एक चीज माइनस कर देते लेकिन अब आपने एक चीज और उसमें माइनस कर दी, मतलब ये तो प्लस ही है पर बी वन माइनस बी जीरो आपका एक नेगेटिव टर्म दे रहा है। तो पी ब्रांच में यू विल फाइंड कि वहां पे जो आपकी लाइंस का स्पेस है वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है, दे आर वाइडली स्पेस्ड, तो पी ब्रांच में यू विल फाइंड वाइडली स्पेस्ड लाइंस। तो ये जो दोनों चीजें आपको मिलेंगी दे दीज यू विल एक्सपीरियंस एट द एक्सट्रीमिटीज। तो ये बेसिकली एक फर्क है जो आपको मिलेगा स्पेक्ट्रम में, और ये तब हम समझ पा रहे हैं जब बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन हमने इनवैलिड माना है, और इनवैलिड मानने का हमारे पास रीजन भी है क्योंकि हमने अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए माना कि वाइब्रेशनल रोटेशन को हम अलग अलग कंसिडर कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं क्योंकि आपका वाइब्रेशन रोटेशन से भी ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि एक रोटेशन जब होता है उस समय आपके लगभग 1000 वाइब्रेशन हो चुके होते हैं, तो 1000 वाइब्रेशन जब हुए हैं तो उस समय जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफर हुई ही है, और डिफर बॉन्ड लेंथ होने का मतलब है कि आपका रोटेशनल कॉन्स्टेंट वेरी होगा, तो इसीलिए आपको ये बी जीरो और बी वन मिलेगा ही। तो जो भी आपको स्पेक्ट्रम मिलते हैं उन स्पेक्ट्रम में जो आपकी लाइन जो आपकी ट्रांजिशन होती है उसकी पोजीशन के बेसिस पर हम वैल्यूज निकालते हैं, वी कैन कैलकुलेट दीज बी जीरो बी वन, फिर इसके करेस्पॉन्डिंग हम बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की उसकी फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टेट में या फिर जीरोथ वाइब्रेशनल स्टेट में वो प्रोसेस करेगा। तो अभी हमारा बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जब हमारा इनवैलिड होता है तो उस समय का हमारा ये वाला सिनेरियो होगा। अभी लास्ट जो चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो है हमारा बर्ज स्पोनर प्लॉट। ये मैंने एक मिनट के लिए लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस भी किया था कि ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। इस टेक्निक की मदद से हम क्या निकाल पाते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, इसे आप से पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू में कि आप थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि बर्ज स्पोनर प्लॉट हमें कैसे हेल्प करता है डिसोसिएशन एनर्जी फाइंड करने में, डी जीरो या डी नॉट और
एक्चुअली आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, सपोज आपका कोई सब्जेक्टिव पेपर है तो उसके लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव पेपर में। तो बेसिकली बर्ज कॉर्नर प्लॉट कैसे आया, कब इसका हम यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सपोज आप व्हेन यू कैन डिटेक्ट, ये आप बेसिकली एटकिंस से पढ़ सकते हैं, एटकिंस में काफी अच्छा दिया है, वहां पे इसका एक सोल्ड न्यूमेरिकल भी है और एक अनसोल्ड न्यूमेरिकल भी है, वो आप वहां से देख सकते हैं। तो बर्ज कॉर्नर प्लॉट बेसिकली आप तभी स्टडी कर पाएंगे, तभी बना पाएंगे जब आप वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस डिटेक्ट कर पाए काफी ज्यादा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने एक ही वाइब्रेशनल ट्रांजिशन डिटेक्ट करी, सपोज जीरो से वन वाली, व्हेन यू कैन डिटेक्ट मेनी वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, तो जब आपके पास काफी सारा डेटा आ जाएगा, मतलब सपोज आपको जीरो से वन वाली ट्रांजिशन का भी पता है, वन से टू वाली का भी पता है, टू से थ्री वाली का भी पता है, थ्री से फोर वाली का भी पता है, जब आपको इन पर्टिकुलर ट्रांजिशंस के करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पता है कि ये ट्रांजिशंस किस एनर्जी चेंज पर मिली है, देन यू कैन प्लॉट अ ग्राफ। तो आप एक ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, और जैसे ही आपने ग्राफ प्लॉट किया तो बस उसी ग्राफिकल टेक्निक को बर्ज कॉर्नर प्लॉट बोलते हैं, वही ग्राफिकल टेक्निक आपकी बर्ज कॉर्नर प्लॉट है। तो ये किस चीज पे बेस्ड है, वो चीज ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिस समय मैंने एनहार्मोनिसिटी को इंट्रोड्यूस किया था, तो उस समय यही बात हुई थी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल में पहुंचने के बाद टूट जाएगा। तो उस समय हमने ये डिस्कस भी किया था कि देयर आर नॉट इनफाइनाइट वाइब्रेशनल लेवल्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इनफाइनाइट वाइब्रेशनल लेवल्स होने चाहिए, बट जो एक्चुअल रियल सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो वाइब्रेशनल लेवल्स है वो इनफाइनाइट नहीं है। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि हमारा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, उसी को हमने वी मैक्स से डिनोट किया था। तो उस समय हमने बात की थी कि जो हमारी डिसोसिएशन एनर्जी है डी जीरो, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि सपोज मैं जीरो से वन की ट्रांजिशन करूं, वन से टू की करूं, टू से थ्री की करूं, थ्री से फोर की करूं, ऐसे ऐसे सम करते करते मैं वी मैक्स तक पहुंच जाऊं, तो जो टोटल एनर्जी का सम होगा, जो टोटल ट्रांजिशन होगी उनकी एनर्जी का जो सम होगा, वही हमारा डिसोसिएशन एनर्जी है ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो हम कैसे बता सकते हैं, जो हमारा टोटल डिसोसिएशन एनर्जी है वो है हमारा डेल्टा ई, जो हमारी 1 बाई 2 वाली ट्रांजिशन में, प्लस जो हमारी 3 बाई 2 वाली हुई, प्लस जो हमारी 5 बाई 2 वाली हुई, और ऐसे ही सो ऑन अप टू द डिसोसिएशन एनर्जी। अब बात वही होती है कि हमें पहली बार तो इतनी सारी ट्रांजिशन डिटेक्ट भी नहीं होती, पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास डी डिसोसिएशन एनर्जी डी जीरो का ये एक्सप्रेशन बना है, और अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ पे जो मेरी दो एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, एक तो यहाँ पे मैं ले लूंगा डेल्टा ई वी प्लस हाफ, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ओनली अगर मैं फॉर्मूले पे जाता हूं, और यहां पे हम ट्रांजिशन कौन सी बात कर रहे हैं, वी से वी प्लस वन की जो हमारी ट्रांजिशन हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं, और यहां पर मैं प्लॉट करूंगा वी प्लस हाफ। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो सपोज जो आपकी पहली ट्रांजिशन हुई जीरो से वन की, तो जीरो से वन की ट्रांजिशन की एनर्जी आपने यहां प्लॉट कर दी, तो ये जो आपका वी है ये जीरो है, तो बेसिकली हो गया हाफ। फिर आपने वन से टू की ट्रांजिशन यहां पे प्लॉट कर दी, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं यहां पे तब जब एनहार्मोनिसिटी है, क्योंकि डिसोसिएशन एनर्जी की बात तभी आएगी जब एनहार्मोनिसिटी प्रेजेंट है, एनहार्मोनिसिटी इज प्रेजेंट, क्योंकि एनहार्मोनिसिटी जब प्रेजेंट होगी तभी आपको ये डिक्रीज मिलेगा। अगर एनहार्मोनिसिटी ना होती तो डिक्रीज क्यों ही मिलता, फिर तो जितने भी आपके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं वो इक्विस्पेस्ड ही थे, पर वो इक्विस्पेस्ड एक्चुअली में नहीं है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से आपको जो ट्रांजिशंस की एनर्जी है वो धीरे धीरे घटती हुई मिलेगी। तो एनहार्मोनिसिटी प्रेजेंट है, पहली कंडीशन तो ये हो गई जो कि रियल कंडीशन ही है, और सेकंड कंडीशन क्या हो गई कि हम क्या मान के चल रहे हैं, जो आपका डिक्रीज आ रहा है, जो आपका ट्रांजिशन एनर्जी चेंज में डिक्रीज आ रहा है, दैट इज बेसिकली लीनियर, एक चीज हम अभी ये मान के चल रहे हैं। तो आपने यहाँ पे 3 बाई 2 की प्लॉट कर दी, ऐसे ही
आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ये एनर्जी प्लॉट करते जाएंगे 3/2, 5/2, तो आप देखेंगे इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है दैट इज नथिंग बट दिस। तो आपको स्पेक्ट्रा से डेटा मिला, आपने उसको ग्राफिकली प्लॉट किया। अब बात वही है कि आपके पास इस एरिया में जाके एक ऐसा डेटा होगा जो इनएक्सेसिबल है, जो आपको नहीं मिला, पर आपने एक ट्रेंड देखा कि ये जनरली हमारा लीनियर ट्रेंड में डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। एक्स्ट्रापोलेट करके कहां ले आएंगे उसको, यहां पे हम उसको एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करा देंगे। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कराने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेल्टा ई है वो जीरो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जब आप वी मैक्स तक पहुंच जाएंगे, यही तो हमारी कंडीशन थी वी मैक्स निकालने की, कि वहां पे जो चेंज इन एनर्जी ऑफ दोस टू वाइब्रेशन लेवल्स है वी मैक्स पे पहुंचने का, तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा ई आपका यहाँ जीरो हो गया। तो ये इसी चीज को बोलते हैं बेसिकली बर्ज स्पोनर लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन। या आपने लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन कर लिया और फिर आपने ये पूरा एरिया निकाल लिया, तो ये जो आपका एरिया निकला, ये एरिया क्या है बेसिकली, डेल्टा ई इनटू दिस है, तो अल्टीमेटली ये है। तो इसीलिए इस ग्राफ का जो एरिया होगा वही आपका डी जीरो होगा, और इसी की मदद से हम अपना डिसोसिएशन एनर्जी निकाल पाते हैं। बट अब आप ये देखिए जो एक्चुअल होता है कर्व वो पूरा कंप्लीटली लीनियर यहाँ पे नहीं होता है, जो एक्चुअल हमारा ट्रू कर्व होता है वो यहाँ पे जाके ऐसे थोड़ा कर्व हो जाता है। हायर वैल्यूज ऑफ वी के लिए यू विल फाइंड अ कर्व हियर, और ये है हमारा एक्चुअल ट्रू कर्व। तो इसीलिए इस मेथड से जो हम डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं वो थोड़ी ओवर एस्टिमेटेड रहती है, ओवर एस्टिमेटेड मतलब जो वैल्यू हमें मिली वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी ज्यादा रहती है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो लीनियर एक्स्ट्रापोलेशन किया था उसमें हमने ये पर्टिकुलर एरिया ज्यादा कंसिडर किया है, बिकॉज जो हमारा एक्चुअल कर्व होता है वो यहाँ पे आके कर्व हो जाता है, लीनियर एंड में नहीं रहता। बट फिर भी ये काफी अच्छी टेक्निक है जिससे हम डिसोसिएशन एनर्जी का एस्टिमेट लगा सकते हैं। सो दिस टेक्निक इज गुड एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जंप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।